हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में योगी सरकार चाहे जितना दावा करे कि उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ दिया है, हकीकत इसके उलट है। यूपी में भ्रष्टाचार इस तरह से बह रहा है जैसे इंसान के शरीर में खून। यूपी के किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना लिए ये कुछ भी काम नहीं हो सकता। इसकी वानगी देखिए इन दो वीडियो में। ये दोनों वीडियो एक ही तहसील के हैं। 29 जुलाई को इस तहसील के राजस्व निरीक्षक का चाय की चुस्कियों के साथ घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। लोगों को लगा अब कुछ दिन तक सरकारी कर्मचारी घूस लेने से डरेंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी आदत से मजबूर, दो दिन में ही सब भूल गए। और फिर इसी तहसील के एक लेखपाल साहब का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दो दिन में एक तहसील के दो कर्मचारी खुलेआम रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो जाएं, तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि इस तहसील की कार्यप्रणाली किस तरह से काम कर रही है। अब आपको हम ये बता देते हैं कि ये वीडियो यूपी के किस तहसील की है और ये दोनों सरकारी कर्मचारी कौन है। दरअसल ये वीडियो है यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज तहसील का। रानीगंज तहसील के सुल्तानी गांव के रहने वाले जीतलाल यादव अपनी जमीन पर भवन निर्माण करा रहे थे, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की और जमीन की पैमाइश कराने के बाद निर्माण कराने के लिए कहा। जीतलाल यादव ने जमीन की पैमाइश के लिए राजस्व निरीक्षक अशरफी लाल से बात की, तो नाम के मुताबिक राजस्व निरीक्षक अशरफी लाल ने अशरफी तो नहीं मांगी, लेकिन आज के जमाने के 5,000 रुपए रिश्वत में मांग लिए। शुक्रवार को राजस्व निरीक्षक का रिश्वत के रुपए लेते हुए वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। रानीगंज SDM संगम लाल गुप्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और वो इसकी जांच कर रहे हैं। SDM ने जांच शुरू ही की थी कि दो दिन बाद रानीगंज तहसील के एक लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो रानीगंज तहसील के आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले कक्ष का बताया जा रहा है, जहां कुछ लेखपाल बैठे हुए दिख रहे हैं। वीडियो में घूस देने वाला व्यक्ति लेखपाल गंगा प्रसाद कश्यप यह कह रहा है कि 3 पहले दिए थे, 1 अब दे रहा हूँ। 3 काल दे रहे हैं, 4 अगर कई देंगे आप अपने हमसे कुछ नहीं बोले साहब। देखा आप घूस लेने का यह वीडियो वायरल होने से रानीगंज तहसील की जमकर किरकिरी हो रही है। अब तक इस तहसील के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। कभी कानून दो तो कभी लेखपाल के घूस लेने के वीडियो वायरल होने का सिलसिला कब थमेगा, यह तो यहाँ के तहसील के अधिकारी ही जाने, लेकिन यहाँ की कार्य प्रणाली जरूर चर्चा में आ गई है। SDM रानीगंज संगम लाल गुप्ता का कहना है कि उन्हें इस वीडियो की जानकारी मिली है, अब वो वायरल वीडियो की जाँच के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़, जो न्यूज़ UP।